हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में अगेन एक होने वाला है रिव्यू, एंड वो जो प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूंगी वो है एक बैग। जी हाँ, मैंने इससे पहले जो है ना बैग्स के रिव्यू जो है मैंने नहीं शेयर किए हैं अपने चैनल पे, तो आज जो है मैं एक बैग का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। पर्सनली ये बैग मुझे इतना अच्छा लगा है इसलिए मैं इसका जो है एक रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ज़ूक। तो जी हाँ, एक जिनको नहीं पता है ज़ूक के बारे में, मैं बता दूं कि ज़ूक एक ब्रांड है जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की जो बैग्स है वो मैन्युफैक्चर करता है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री होते हैं, साथ ही ये हैंडक्राफ्टेड होते हैं, एंड इनके जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं। ये सारे टाइप के बैग्स जो है ये बनाते हैं, लाइक स्लिंग बैग्स, हैंड बैग्स, लैपटॉप बैग्स, टोट बैग्स, ऑफिस बैग, जितने भी टाइप के वैरायटी के बैग होते हैं आपको ज़ूक पे मिल जाएगा। इनके जो लिंक्स है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां पे चेक कर लेना। यहां पर भी कहीं पे आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। और बाय द वे मैं बता दूं कि अगर आप ज़ूक से मेरी जो कूपन कोड है जो यहां पे दिख रहा है आपको, अगर वो यूज करके बैग लेते हो तो आपको जो है 15% जो है डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये सारे थे थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन, अब हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ज़ूक की तरफ से मुझे जो बैग रिसीव हुआ है वो है ये स्लिंग बैग, आप देख सकते हो। और ये बैग जो है मुझे रिसीव हुआ है, इसकी ये स्लिंग है एंड इसमें बहुत सारे वैरायटीज है। मैंने आपको बताया कि ज़ूक में, अगर आप ज़ूक के इंस्टाग्राम स्टोर पे या फिर आप जाके सर्च करते हो तो यहाँ पे इनके बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बैग जो है आपको देखने मिलेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको किस टाइप के बैग चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जाके आप उनके जो कलेक्शंस है वो चेक कर सकते हो। इनके जो प्रिंट्स है ना गाइज, मतलब गाइज ये जो प्रिंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा मुझे प्रिटी लगता है, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लुक देता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही लोकल फोकल टाइप का जो है एकदम सा लुक आएगा। और इनकी क्वालिटी गाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, लेदर पीयू बोल सकते हैं इसको, पीयू लेदर फॉर्म में आता है ये जो है। ये एक फैब्रिक है, लाइक फैब्रिक है, अब मैं इसे डिटेल में नहीं बता पा रही हूं, लेकिन जूट, यस ज्यूट बोल सकते हो, ज्यूट फैब्रिक में ये जो है सामने आपको देखने को मिलता है। ये जो पैटर्न है ये काफी 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है। इनके पैटर्न जो है मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। मेरे पास जो है वो है स्लिंग बैग, एंड आपको पता है कि स्लिंग बैग जो है सारे आउटफिट पे जाता, चाहे आप इसे जीन्स पे कैरी कर लो, चाहे आप इसे ट्रेडिशनल पे कैरी कर लो, सारे जो है ना आउटफिट के साथ जो है ना स्लिंग बैग बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली मैच करता है। तो बात करते हैं बैग के बारे में, तो बैग की जो साइज है आप देख सकते हो काफी अच्छी साइज है। मैं जो लड़की हूं, मैं अपना पूरा संसार जो है ना बैग के अंदर लेके चलती हूं। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले भी बहुत सारे पिक्चर्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे मैं बहुत बड़ी बैग लवर हूं। मुझे बैग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड मैं बहुत कोशिश करती हूं कि मैं एक बैग को ना रिपीट ना करूं, मुझे हमेशा डिफरेंट बैग चाहिए होता है। बैग की तरफ तो मेरा जो आईज है ना वो, मतलब अगर मैं बैग के स्टोर में जाती हूं ना तो बिना एक दो बैग लिए तो मैं नहीं निकलती हूं। तो बैग्स की मैं बहुत बड़ी लवर हूं एंड मुझे जो है ना बहुत छोटे बैग्स जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मिनिएचर बैग्स अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग में है, मिनिएचर्स एंड बहुत सारे मुझे वो यूजलेस लगते हैं क्योंकि मैं उसमें कुछ भी नहीं कैरी कर पाती हूं एंड सिर्फ शो के लिए मैं बैग लेके नहीं घूम सकती। मुझे चाहिए एक अच्छा बैग, कॉम्पैक्ट साइज का बैग जिसके अंदर मैं अपना पूरा संसार लेके चल सकूं। तो ये जो है आप देख सकते हो, ये काफी अच्छे साइज का जो बैग है वो मुझे रिसीव हुआ है। इसके अंदर आप बहुत कुछ कैरी कर सकते हो, लाइक जैसे मैं कैरी करती हूं, मैं एक वॉलेट कैरी करती हूं, मैं एक जो है कार्ड होल्डर जो वॉलेट होता है वो भी कैरी करती हूं, साथ में कुछ कीज रहते हैं इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद से बहुत कुछ मेकअप के स्टफ्स लाइक मस्कारा एंड ऑल लिपस्टिक वगैरह मैं कॉम्पैक्ट वगैरह ये सब टचअप के लिए हमेशा कैरी करती हूँ, कॉम कैरी करती हूँ। तो इस जो ये जो बैग आप देख रहे हो इसमें जो है काफी अच्छे तरीके से जो है ना आप काफी ज्यादा अमाउंट में अपने जो प्रोडक्ट है ना उसे कैरी करके लेके जा सकते हो। लुक तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ है स्लिंग, एडजस्टेबल स्लिंग, आप देख सकते हो यहां से जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम इसके जिप की क्वालिटी की बात करते हैं, इसकी जिप की क्वालिटी ऑसम है गाइस, ऑसम मतलब बहुत अच्छे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिल्कुल भी लोकल सा फील नहीं देता है, बहुत ही लग्जूरियस फील आता है इसे यूज करने के बाद। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छे प्राइस रेंज में ये मार्केट में ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में जो है ऑनलाइन में मिल जाएगा। लाइक इसकी जो प्राइस है आई थिंक 699 और समथिंग है। तो एक बैग के लिए, रफ एंड टफ बैग के लिए आप इतना प्राइस तो पे कर सकते हो। तो इनकी प्राइसिंग भी जो है ना काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो ये मैं दिखाती हूं कि
एंड गाइज इसके अंदर मेरे काफी ज्यादा प्रोडक्ट मैंने अभी रखे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि बैग्स में मैं अपना संसार कैसे कैरी करके चलती हूँ। तो जिप की क्वालिटी ऑसम है, एंड अभी फिलहाल मैं शादी में गई थी तो इसके अंदर जो है काफी ज्यादा अमाउंट में बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। लाइक जैसे कि इसके अंदर जो है मेरा ये वॉलेट है जो मैं रेगुलर बेसिस पे कैरी करती हूँ, और शादी में गई थी इसलिए ये झुमके भी पड़े हुए हैं। तो ये है, साथ में फेस वॉश ऑलवेज मेरे पास, मेरा फेस वॉश हमेशा रहता है। उसके बाद से लिपस्टिक, जो कि मैं लिपस्टिक लवर हूं तो ऑलवेज लिपस्टिक तो रहना ही है, एंड क्लचर। तो अभी फिलहाल मेरे बैग में इतना कुछ है और काफी ज्यादा स्पेशियस है। अंदर से मैं आपको दिखा दूं, इतना ज्यादा स्पेस है। इसके अंदर आपको अगेन एक मिलता है जिप, ऐसे इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आप काफी कुछ छोटे मोटे चीज जो है जैसे कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, कॉइन पाउच ही बोल सकते हैं आप। तो अंदर में भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हो। मुझे ये बैग पर्सनली इतना अच्छा लगा गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे जो है ना बहुत ज्यादा फैंसी लुक के बैग जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे चाहिए कि बैग ऐसा हो जिसके अंदर काफी ज्यादा स्टफ जो है आप उसे कैरी कर सको। एंड पीछे जो है इधर अगेन आपको एक जिप मिलता है जिसकी क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर भी आप कुछ अपने कार्ड्स वगैरह जो है उसको कैरी कर सकते हो। पर्सनली गाइज मुझे ये बैग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरे हिसाब से बैग एक ऐसा बैग ऐसा होना चाहिए जो अपना काम अच्छे से कर सके, एंड उनका काम होता है आपके स्टफ्स को प्रॉपरली कैरी करना, एंड मेरे काफी स्टफ्स होते हैं तो मुझे इस साइज के बैग जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ये बैग पर्सनली बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा ये बैग एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक्स जो है अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यस ऑफ कोर्स आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो जिससे आपको जो है कुछ परसेंटेज जो है ऑफ मिलेगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप गाइज आपको जो है मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हो इस चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टाटा।